अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं यूसुफ आगा खान, एनसीपी मोटर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आया। तो दोस्तों आज गाड़ी का मैक मॉडल वेरिएंट बताने से दोस्तों मेरे चैनल तो दोस्तों आज गाड़ी का मैक मॉडल वेरियंट बताने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कौन सी गाड़ी लाया हूं, तो जैसे कि पहले मैं आप लोगों को दिखाता था गाड़ी के पहले एक एक चीज अलग अलग दिखाता, तो आज आप लोगों को मैं एक ही शॉर्ट में कंप्लीट ही आप लोगों को गाड़ी दिखाता। चलो तो आज आप लोगों के लिए मैंने लाई है होंडा, होंडा रिबॉन लाई है, होंडा से भी कोई कहते हैं, कोई होंडा रिबॉन कहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैंने होंडा रिबॉन लाई है जो कि 2005-2006-07 मॉडल की ये होंडा रिबॉन है, गोल्डन कलर की है, 1600 सीसी 1.6 इसमें इंजन है, 1600 सीसी इसमें इंजन और इसके इंटीरियर की सीट्स वगैरह जो कंप्लीटली लेदर के है। अच्छा गाड़ी का क्या कंडीशन है, गाड़ी का बॉडी का क्या कंडीशन है, एक एक अलग अलग बताता हुआ चलो। अच्छा सबसे पहले बॉडी गाड़ी जो है वो चली हुई है, बिल्कुल फ्रेश नहीं है गाड़ी, चली हुई गाड़ी, लेकिन गाड़ी का कंडीशन अच्छा बेहतर कंडीशन है। इंटीरियर जो है इसका जो है येलो और ब्राउन कलर है और बाहर से तो कंप्लीटली गाड़ी जो है गोल्डन कलर है। सीट्स वगैरह इसके बिल्कुल ओके, इंजन गियर वगैरह जो सबसे बड़ी चीजें आते हैं वो गाड़ी के बिल्कुल ओके, उसमें कोई भी काम नहीं। इंजन और गियर के हवाले से बताता हूं चलो, गाड़ी के इंजन और गियर में कोई भी काम नहीं है, गाड़ी अपने जस्ट बाय करना है और ड्राइव करना है। अच्छा तो सबसे पहले आप लोगों को मैं गाड़ी का प्राइस बताता हूं चलो। दोस्तों गाड़ी जो है न रूफ कट है न टेम्पर्ड है, रूफ कट भी नहीं है और टेम्पर्ड भी नहीं है, इसका नंबर भी अपनी जीनियन कंडीशन में और गाड़ी जो है वो साबित है, कोई रूफ कट नहीं है। अब प्राइस बताता हूं चलो दोस्तों, ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए में, क्योंकि ये चली हुई थोड़ी चली हुई गाड़ी है। हाँ ये गाड़ी की सफाई की जरूरत है, गाड़ी का कंडीशन अच्छा है, गाड़ी की सफाई की जरूरत है, एनटीआई किस्म की गाड़ी गंदी हो चुकी है। आप लोगों को ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए में, 5000 रुपए का जबरदस्त वाला सर्विस चाहिए उसके बाद ये बेहतरीन गाड़ी बन जाएगी। तो चलते आप लोगों को मैं कंप्लीटली बॉडी दिखाता हुआ चलो, इंटीरियर इंजन वगैरह सब कुछ दिखाता हुआ चलो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीरियर, इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हुआ चलो। इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन का इंटीरियर है, और होंडा रिबॉन की जो इंटीरियर होता है बहुत ही प्यारा और बहुत ही बॉडी ग्रिप वाली इसका इंटीरियर होता है, ड्रिफ्टिंग वगैरह के लिए मॉडिफिकेशन के लिए लोग इसको जो है ना बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसका जो लेदर वगैरह है वो बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन, ऊपर ऊपर से कंप्लीटली ब्लैक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन, निचला जो है ना वो कंप्लीटली येलो कंडीशन में आप देख सकते हैं। अच्छा सीट इसके जो है ना वो येलो कलर इसमें लेदर की सीट है। गाड़ी इस तरह गंदी आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी कितनी गंदी होगी, यहाँ पे मिट्टी तक पड़ी हुई है इसका, ये जो है ना ये पटा हुआ इसका, ये सीट यहाँ से इसका जो है ना ये हल्का सा लेदर पटा हुआ है, बाकी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी, कोई इसके सीट वगैरह कोई खराब नहीं हुई, सोल वगैरह आप देख सकते हैं, बाकी A to Z गाड़ी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में। सफाई की जरूरत है गाड़ी में, सफाई की जरूरत है, साथ ही साथ गाड़ी में ये आप देख सकते हैं पावर गियर शिफ्टर भी, ये आप देख सकते हैं गाड़ी में पावर गियर शिफ्टर भी है। गाड़ी का कंडीशन A to Z जीनियन कंडीशन है, गाड़ी में कोई आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगा, A to Z अपनी जीनियन कंडीशन, यहाँ पे कंपनी का अपनी ओरिजिनल इसमें ऑडियो टेप लगा हुआ, यहाँ से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं, मीटर इसका जो है वो डिजिटल है और यहाँ से ये नीडल वाला मीटर है। अच्छा गाड़ी इंटीरियर आप देख सकते हैं, गाड़ी का इंटीरियर जबरदस्त है, गाड़ी गंदी है, जबरदस्त वाली गंदी है, जबरदस्त सफाई चाहिए, लेकिन गाड़ी बाहर से बिल्कुल साफ सुथरी। आप लोगों को मैं गाड़ी बाहर से भी दिखाता हुआ चलो, साथ साथ आप लोगों को मैं गाड़ी का इंजन भी दिखाता हुआ चलो। गाड़ी आप बाहर से देख सकते हैं, गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरे प्यारे कंडीशन में है। ये है गाड़ी में टचअप, आप लोगों को मैंने बता दी गाड़ी चली हुई गाड़ी है, गाड़ी में हल्का फुल्का टचअप है। फ्रंट से आप देख सकते हैं इसके फ्रंट हेडलाइट, आप देख सकते हैं इसमें जो है इसके फ्रंट हेडलाइट साफ सुथरे हेडलाइट, इसका बंपर जो हल्का ढीला हुआ है, यहाँ पे नीचे जो है इसको जो है किट टाइप इसको लगाया हुआ है, नंबर प्लेट फिर से लगी हुई है, गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, गाड़ी में शावर है, गाड़ी में टचअप्स वगैरह इसमें होंडा के अपने इसमें रिम लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है ये साइड मिरर में भी इसके इंडिकेटर लाइट्स है, साइड व्यू से गाड़ी आप देख सकते हैं स्क्रेचलेस है, गाड़ी में कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, गाड़ी में जो है स्क्रेचेस नहीं है। गाड़ी ये है कि गाड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी जो है वो गंदी हो चुकी है, गाड़ी ज़बरदस्त किस्म की गंदी हो चुकी है। पिछले बैक साइड की तरफ चलते हैं, बैक साइड में ये आप लोगों को बताता हुआ चलो, इससे बैक साइड में इस साइड से गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी, यहाँ से हल्का से जो है ना यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे हल्का सा डेंट है, बाकी जो है ना डिक्की आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, 1.8 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी जो है 1.6 1600 सीसी 1800 नहीं है, ये 1600 सीसी है। होंडा सिविक रिबॉन आपको जो भी को बैक हेडलाइट वगैरह आप देख सकते हैं साफ सुथरी कंडीशन में, इसके बंपर जो है बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है। अच्छा इसका रूफ जो है, रूफ से पहले ये साइड भी आप लोगों को दिखाता हुआ चलो, ये साइड से गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रेचलेस है, साफ सुथरी कंडीशन में है, और रूफ भी आप लोग देख सकते हैं, रूफ जो है ना कोई पेड वगैरह नहीं हुआ है, गंदा है, ये आप देख सकते हैं रूफ जो है वो पेड हुआ है, लेकिन कंडीशन जो है रूफ का बेहतरीन कंडीशन है। अब चलते हैं इंजन की तरफ, आप लोगों को इंजन भी दिखाता हुआ चलो गाड़ी का, ये रही इसका इंजन। गाड़ी में आप लोगों को बताया कि गाड़ी जो है हद
कि ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बिल्कुल मट्टी भर भर के पड़ी हुई, गाड़ी की सफाई नहीं हुई। जिससे हम लोगों ने गाड़ी लाई उसने बिल्कुल गाड़ी का ख्याल नहीं रखा हुआ है। आप गाड़ी का इंजन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी का इंजन का क्या कंडीशन है। बाकी ये है कि गाड़ी का इंजन गियर वगैरह बिल्कुल 100% ओके, 100% ओके, कोई भी काम नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें मट्टी कितना पड़ा है, इन पाइपों पर आप देख सकते हैं मट्टी जो है ना भर भर के पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका चेसिस फ्रेम नंबर जो है यहाँ पर लिखा हुआ था, ये भी आप लोगों को मैं दिखाता हुआ शुरू, आप देख सकते हैं ये रहा इसका फ्रेम नंबर जो कि बिल्कुल चढ़ा हुआ नहीं है, अपनी ओरिजिनल हालत में है। तो ये आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपये में।